मगर भाई और बहनों, गरीबों के चौकीदार नहीं है, अरे अंबानी के चौकीदार है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है, क्या मोदी टाइटल रखना गुना है क्या? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। खुद जमानत पर चल रहे राहुल गांधी चुनावी रैलियों में चौकीदार को चोर कहते फिर रहे थे, मगर जब पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान को अभियान बना दिया और पूरा देश मैं भी चौकीदार कहने लगा, तो राहुल को बोलना पड़ा कि सभी चौकीदार चोर नहीं है। कुछ इसी तरह की गलती उन्होंने एक बार फिर कर दी, जब चुनाव प्रचार के दौरान जोश जोश में राहुल गांधी कह गए कि सारे मोदी चोर होते हैं। लेकिन वो भूल गए कि पीएम मोदी को पता है कि कैसे खुद पर किए गए हमले को हथियार बनाकर विरोधियों पर हमला करना है। मोदियों को चोर कहने वाले राहुल गांधी को पीएम मोदी ने उनके इसी बयान पर घेर लिया। महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, अब की बार तो वो सारी सीमा लांघ गए और पूरे पिछड़े समाज को ही गाली दे दी है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है मामला चला नहीं तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मुझे गाली दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर चौकीदार, पिछड़े और दलितों को चोर कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। जिस अंदाज में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सभी मोदी चोर वाले बयान को पिछड़ों के अपमान से जोड़ दिया, वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कह दिया था, जिसे मोदी ने गुजरात की अस्मिता से जोड़कर जबरदस्त प्रचार किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अय्यर को कांग्रेस ने उस वक्त तो पार्टी से निलंबित कर दिया था, मगर फिर से पार्टी में शामिल कर दिया। बयान देकर फंसे राहुल कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं, और इस उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं, मेरा भी टाइटल मोदी है, और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।
मेरे वकील उसकी तैयारी करें और अगले एक दो दिनों के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो एक और तो कहते हैं कि सारे चौकीदार चोर हैं, तो बिहार में तो पासवान समाज के लोग चौकीदारी करते हैं, यानी सारे पासवान चोर हैं। फिर कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं, तो क्या मोदी टाइटल रखना गुनाह है क्या? और मोदी सरनेम वैसे समाज के लोग, व्यापार करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में और अपना टाइटल मोदी रखते हैं। तो राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने केवल देश के चौकीदारों को चोर नहीं कहा, बल्कि मोदी टाइटल रखने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो हैं उनको भी उन्होंने चोर कहा है। और इससे मोदी टाइटल रखने वाले लोगों की भावना को ठेस लगा है, और इसलिए मैं कल या परसों पटना के कोर्ट के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। बहरहाल राहुल के सभी मोदी चोर क्यों होते हैं वाले बयान पर पीएम मोदी ने जितनी आक्रामकता से हमला बोला है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था, समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। हमें हजारों साल से सिखाया गया कि पौधे में भी परमात्मा होता है। हम वो लोग हैं जो नदी की भी पूजा करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं, और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है क्या? कांग्रेस का ये पाप मंजूर है क्या? उनके साथियों का ये पाप मंजूर है क्या? क्या ये कलंक हमें मंजूर है क्या? भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे, तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता था, कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुई। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा
जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, और कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या अब इस देश को ये मंजूर है क्या? इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार, ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है।